Good morning, dear students. Myself, Dr. Avneesh Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLB Government College, Bhilwara. Last class में हमने हम third year का paper third जो है physical chemistry वो पढ़ रहे थे और last class में हमने kinetics शुरू कर दिया था, chemical kinetics या जिसको रासायनिक बल गति के भी कहते हैं वो शुरू कर दिया था और उसमें हमने initially ये देखा था कि शुरुआत जो की थी हमने तीन चीजों से की थी। एक हमने देखा कि एक जो रसायन विज्ञान की शाखा है वो ये बताती है कि व्हाट इज द फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, कोई भी जो अभिक्रिया है उसकी होने की क्या संभावना है, वो स्वतः है या नहीं है, स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। सेकंड थिंग हमने ये पढ़ा कि व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ दैट रिएक्शन, उस जो अभिक्रिया है उसकी सीमा क्या है। ओके, एंड थर्ड जो था जो कि हम जो हमारे सिलेबस रिलेटेड जो पढ़ रहे हैं वो था केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक, केमिकल काइनेटिक रासायनिक बल गति की। केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली क्या है? केमिकल काइनेटिक्स ये है जिसमें कि हम अभिक्रिया के वेग और अभिकारक की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अभिक्रिया का वेग क्या है ये हम लास्ट क्लास में जान चुके थे कि अभिक्रिया का वेग या तो रिएक्टेंट से डिस्क्राइब करेंगे या प्रोडक्ट से डिस्क्राइब करेंगे। तो रेट ऑफ द रिएक्शन को हम डिस्क्राइब करें अगर रिएक्टेंट के संदर्भ में तो अभिकारक या क्रियाकारक या रिएक्टेंट की सांद्रता में समय के साथ होने वाली कमी क्या है, रिएक्शन का वेग है, अभिक्रिया का वेग है। या समय के साथ अभिकारक, समय के साथ उत्पाद या प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में होने वाली जो वृद्धि है वो अभिक्रिया का वेग है। तो दोनों ही तरीके हैं। इसके बाद हमने इसको लिखने का तरीका सीखा था dx अपॉन dt से, यहाँ dx कंसंट्रेशन है, dt समय है। और जो स्टाइकोमेट्री जिनकी सेम नहीं है, जहां मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस है, उनके लिए हमने देखा था कि जो एटम के आगे जो होल नंबर लग रहा है उसको हमने फ्रैक्शन में लिया था, जैसे 2a है तो 1/2a हो जाएगा। तो इस तरह हमने ये सब चीजें देखी थी। आज हम इसे थोड़ा आगे पढ़ेंगे। एक सवाल है पहले, जो पहले पढ़ा उससे रिलेटेड एक सवाल है, सवाल को हम पहले देखते हैं। हाँ, तो सवाल ये है कि मानिए हम पढ़ रहे हैं, तो ये सवाल है फ्रेंड्स, H2 plus I2 gives 2HI. तो यदि आयोडीन के लुप्त होने की दर 10^-6 मोल पर लीटर पर सेकंड हो तो HI के बनने की दर क्या होगी। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब किससे निकलेगा, ये हम पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा, जो रिएक्शन रेट के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं प्राइमरी लेवल पे, जो हमने रिएक्शन रेट के लिए इक्वेशन लिखी थी, तो वो क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो आयोडीन है उसके जो लुप्त होने की दर होगी, या आयोडीन जिस दर से लुप्त होगा उससे दुगने वेग से HI बन रहा है, मतलब दुगना HI बन रहा है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे कि आयोडीन के लुप्त होने की दर, यहां से ले लेंगे मल्टीप्लाइड by 2, okay, that is equal to क्या होगी, HI के बनने की दर, okay, और ये क्या हो जाएगा, that is equal to, ये हमें पता ही है, 2 into HI के बनने की दर क्या है, 10^-6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा HI के बनने की दर, I2 के लुप्त होने की दर को मल्टीप्लाई किया 2 से, वो HI के बनने की दर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हेडिंग, ये तो पिछले चैप्टर से रिलेटेड था, नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे सक्रिय द्रव्यमान एवं वेग नियम। ठीक है, हेडिंग डालिए सक्रिय द्रव्यमान एवं
रेट लॉ या वेग नियम, ये आज पढ़ेंगे। सक्रिय द्रव्यमान क्या है? सक्रिय द्रव्यमान को अगर हम डिफाइन करें तो जो सक्रिय द्रव्यमान है ये बराबर, इसको अगर इस तरह लिखें हम, तो ये है मोल पर लीटर, ठीक है, मोल प्रति लीटर या मोल पर लीटर में जो आणविक सांद्रता है, सांद्रता, यही कहलाती है सक्रिय। मोल पर लीटर में जब हम आणविक सांद्रता को दर्शाते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्टिव मास या सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है। और जो अभिक्रिया की गति है वो उसके क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभिक्रिया की गति उसके क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है, ठीक है। और सक्रिय द्रव्यमान क्या है? मोल पर लीटर में उसकी सांद्रता, इस तरह इसको समझिए, ओके। तो सक्रिय द्रव्यमान अपन समझ चुके हैं। सपोज कोई रिएक्शन है जिसमें ए और बी, कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ठीक है, इसमें ए और बी कोई रिएक्टेंट हैं जो मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं सी और डी, ठीक है। तो उनके जो रेट ऑफ द रिएक्शन लिखी जाएगी वो इस तरह होगी माइनस डी सी अपॉन डी टी। सी क्या है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में होने वाली कमी, सपोज कीजिए, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल होगी किसके, जैसा कि हमने पढ़ा था कि अभिक्रियाओं की गति उसके क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है, ठीक है। ये इसके सक्रिय द्रव्यमान है सी ए एंड सी बी, या माइनस डी सी अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू के सी ए इंटू सी बी। सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल और लिख लीजिए यहां, गुणन फल गुणनफल ये अभिक्रिया की गति उसके क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। ये इसके क्रियाकारक है और ये उसके सक्रिय द्रव्यमान है, ठीक है, समानुपाती होती है। इसको बराबर करने के लिए क्या लगाया गया? एक कांस्टेंट लगाया गया जिसे हम k से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये पूरा जो एक्सप्रेशन है d माइनस dc अपॉन dt दैट इज इक्वल टू k ca cb, इसको हम जानते हैं इस नाम से, वेग नियम, वेग नियम, ठीक है। तो वेग नियम क्या है? वेग नियम क्या है? अभिकारकों अभिक्रिया की जो गति है वो उसके क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल मल्टीप्लाइड विद किस के रेट कांस्टेंट या वेग स्थिरांक से, है ना, मल्टीप्लाई उसके बराबर होती है, तो ये कहलाता है वेग नियम। हम थोड़ा के को जान लें, काफी इंपॉर्टेंट है ये। के क्या है? के है एक स्मॉल के लिखते हैं, स्मॉल के करते हैं, सॉरी, तो k है एक, इसको हम डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं वेग स्थिरांक, ठीक है। वेग स्थिरांक क्या है अगर इसको हम जाने, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें c और cb क्या है? सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है। तो
तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया कारकों की सांद्रता इकाई हो का वेग विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है या वेगनिता कहलाता है। ये तो अभिक्रिया का वेग है माइनस डीसी अपॉन डीटी, और ये हमने मान लिया यूनिटी सी ए और सी बी, तो बचा क्या, तो वेग किसके बराबर है, के के बराबर। ठीक है, तो वेग इस तरह में डिफाइन कैसे किया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रिया कारकों की सांद्रता क्या हो, इकाई हो। ठीक है, का वेग वेग नियतांक या विशिष्ट विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है ना, वेग नियतांक क्या है इसको समझाइए, या फिर विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या है उसको बताइए। तो ऐसी अभिक्रिया है जिनमें क्रिया कारकों की सांद्रता इकाई हो का वेग वेग नियतांक क्या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक कॉमन रिएक्शन लेते हैं जिसमें सपोज ए रिएक्टेंट के ए मोल है ओके, तो ए के ए मोल है प्लस बी के बी मोल है, ये कोई रिएक्शन हो रही है और ये मिलके क्या बना रहे हैं, ऑब्वियसली प्रोडक्ट बना रहे हैं, रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, ये कोई रिएक्शन है, तो इसके लिए जब हम रेट ऑफ द रिएक्शन लिखेंगे तो वो इस तरह लिखी जाएगी, रेट इक्वल्स टू के दैट इज रेट कांस्टेंट एंड इन ब्रैकेट लिखेंगे हम ए कैपिटल ए और पावर में लगाएंगे हम पी। तो ये पी क्यों लगाएंगे ये अपन थोड़ा आगे पढ़ेंगे, दैट इज पी ओके एंड अगेन बी पावर सपोज क्यू, डिनोट किया हमने क्यू से, कुछ भी कह सकते हैं, है ना, ओके। अब बेसिक सवाल यहां पर उठता है किसी भी क्यूरियस दिमाग में कि यहां पर हमने ए की पावर पी क्यू ली और बी की पावर क्यू क्यों ली, यहाँ ए की पावर ए ही क्यों नहीं लिया और बी की पावर स्मॉल बी ही क्यों नहीं लिया, स्मॉल बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स हैं उसके, तो यहां पर पी मे बी इक्वल्स टू ए। ठीक है, बहुत ध्यान देने की बात है कि पी इज इक्वल टू ए मे बी, ऐसे लिखें हो भी सकता है और नहीं भी, ऐसे ही क्यू इज इक्वल टू बी हो भी सकता है और नहीं भी। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है कि जो P और Q है वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, एक प्रायोगिक गणना करते हैं इसके लिए, P और Q के लिए ये जो क्वांटिटी आई है, ये नंबर है वो एक्सपेरिमेंटल है, हम इसको देख के नहीं बता सकते कि वो A हो भी सकता है और B हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो रेट को इस तरह रखते हैं, रेट इज इक्वल टू के
ए की पावर पी एंड बी की पावर क्यू। ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन है ये, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल, कि वेग नियम से वेग समीकरण लिखो। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, एक नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत आसान है इसको लिखना। तो किसके लिए लिखना है, ये दिया गया है, एक इक्वेशन दी गई है, दैट इज ओके। तो ये जो हमने पढ़ा है स्टूडेंट, तो यहां ये जो देखा हमने, ये वाला रेट इज इक्वल टू के एन ओ टू ट्वाइस एफ टू, ये जो है ये आया है इससे एक्टिव मास लॉ से, सक्रिय द्रव्यमान नियम। सक्रिय द्रव्यमान नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो अभिक्रिया की गति है वो उसके क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। अंतर क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्रिय द्रव्यमान एक थ्योरेटिकल नियम है, सैद्धांतिक नियम है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम इस रिएक्शन को देख के ही उसका वेग नियम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने लिखा है इस रिएक्शन को देख के, है ना, ये तो हो गया सक्रिय द्रव्यमान से। जबकि जब हम बात करेंगे वेग नियम की, रेट लॉ की, तो ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। मैं इस रिएक्शन को देख के सिर्फ वेग नियम से इसका एक्सप्रेशन नहीं लिख सकता, मुझे ये याद होना चाहिए या मैंने ये कहीं ना कहीं पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, फर्क क्या है दोनों में, ये एनओ टू की स्क्वायर घात की समानुपाती है, बराबर है, जबकि यहां पर कोई भी इसके ऊपर घातांक नहीं है। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ये थ्योरेटिकल लॉ है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, औसत वेग एवं तात्क्षणिक वेग, वेग की इकाई और अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में। थैंक यू।